अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। भारत के बहुसंख्यक समाज का दिमाग मुसलमानों से नफरत के कारण इतना सड़ चुका है, इनको एक मस्जिद में लगे फव्वारे में भी शिवलिंग नजर आता है। कोई भी हिंदुत्ववादी नेता कभी भी खड़ा होकर एक मस्जिद का नाम लेकर कह देता है, इस मस्जिद के नीचे फलाने भगवान का मंदिर था। बहुसंख्यक समाज आंखें बंद करके रोजगार, शिक्षा, पेट्रोल, डीजल, गैस सब भुलाकर उस नेता के पीछे चल देते हैं। नाजरीन, यूं तो भारत के हजारों मस्जिदों को तोड़कर उन पर कब्जा करके मंदिर बना दिए गए हैं, मगर आज मैं आपको उन मस्जिदों के बारे में बताऊंगी जो अपनी असली शक्ल में मौजूद आज भी हैं, मगर उन मस्जिदों में अब नमाज नहीं पढ़ी जाती। जामा मस्जिद फारूक नगर, हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फारूक नगर की स्थापना मुगल गवर्नर फौजदार खान सन 1732 ईस्वी में की थी। फौजदार खान जब इस जगह के नवाब बने तो उन्होंने कई इमारतें तैयार की, जिनमें सबसे खास वहां की जामा मस्जिद थी, जहां हर जुमे के दिन शहर के मुसलमान जुमे की नमाज अदा करते थे। मगर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यहां के हिंदू और सिख ने मुसलमानों को भगाकर मस्जिद पर कब्जा कर लिया और मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। आज इस मस्जिद का नाम श्री सीताराम मंदिर गुरुद्वारा है। बताओ, क्या बहुसंख्यक समाज हमें हमारी ये मस्जिद वापस करेगी? खिलजी जुमा मस्जिद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। दोस्तों, यूं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में भारत माता नाम की किसी देवी का जिक्र नहीं, फिर भी बहुसंख्यक समाज राजनीतिक सोच के कारण किसी को भी देवी का दर्जा देने से संकोच नहीं करता। 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे कुतुबुद्दीन खिलजी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक खूब बड़ी मस्जिद तामीर की। सदियों तक इस मस्जिद में एक अल्लाह की इबादत होती थी, मगर जैसे ही यहां से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई, इस मस्जिद में जबरदस्ती मूर्तियां रख दी गई। दाना सीर मस्जिद, हिसार, हरियाणा। एक वक्त था जब हरियाणा के हिसार में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद थी। मुसलमानों की हुकूमत में दाना सीर बहलूल शाह के नाम पर एक मस्जिद बनाई गई। अफसोस की बात है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब हिसार बहुसंख्यक समाज ने मुसलमानों पर जुल्म की हदें पार कर डाली। कई मस्जिद को मंदिर में तब्दील किया गया, जिनमें दानासीर मस्जिद भी है। आज इस मस्जिद में खुलेआम पूजा होती है। इसका नाम दानेश्वर मंदिर है। जामा मस्जिद, हरियाणा। हरियाणा के सोनीपत में 19वीं सदी में बनाया गया जामा मस्जिद, अफसोस आज इस मस्जिद को छीनकर मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। इस मंदिर का नाम दुर्गा माता मंदिर है। बाबरी मस्जिद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। बाबरी मस्जिद को ना हम भूले हैं और ना ही हमारी नस्लें। 6 दिसंबर 1992 का वो काला दिन था, बहुसंख्यक समाज ने अल्लाह के घर को शहीद कर दिया। भले ही आज तुम्हारे पास ताकत है, मगर याद रखना, वो दिन जरूर आएगा जब हक जमीन फाड़कर जाहिर होगा और तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। आज भारत का मुसलमान इस गलत फहमी में है। भारत का संविधान मुसलमानों की मस्जिदों और मुसलमानों की दीन की हिफाजत करेगा। अगर ऐसा है तो आर्टिकल 1991, जिसमें लिखा गया है 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी धार्मिक स्थलें हैं उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस आर्टिकल के बावजूद मस्जिद का केस शुरू होता है। वजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग बताकर सील कर दिया जाता है। कहाँ है वो सरकारी मुसलमान जो कहते थे मुसलमान को बड़ा दिन दिखाकर बाबरी मस्जिद की जमीन बहुसंख्यक समाज के हवाले कर देनी चाहिए, ताकि मुल्क में अमन शांति कायम हो। बताओ, इस अमन शांति के लिए ज्ञान वापी मस्जिद को भी शहीद करवा ले? अभी तो शुरुआत है। ज्ञान वापी के बाद ईदगाह मस्जिद, आदीना मस्जिद, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद की तरफ ये बहुसंख्यक समाज दौड़ लगाने वाली है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज्यादा शेयर करें।